माननीय सेठ जी संख्या 13 श्री महबूब अली जी यस माननीय मंत्री जी माननीय महबूब अली जी का अरे मरने के लिए तैयार है माननीय मंत्री जी आप अरे महबूब अली जी को पूछे अब आप पीछे छोड़ गया आगे बढ़ गया अरे आप आगे बढ़ गया माननीय महबूब अली जी पूछे बैठिए और मैं आप पूछिए माननीय सदस्य अपन प्लीज हाँ करिए पहले तो मैं संरक्षण चाहूंगा आपसे जी इसीलिए तो बुलाया है जिस तरह से मंत्री जी जवाब दे रहे हैं विद्युत पर और शायद ये जानते नहीं कि देश में सबसे ज्यादा संकट उत्तर प्रदेश में बिजली का है देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है देश में सबसे ज्यादा शोषण उत्तर प्रदेश में बिजली पर हो रहा है और मंत्री जी गंभीरता से नहीं लेकर उसका जवाब दे रहे किस तरह से शोषण हो रहा है कि अगर देख ले आप बिजली के नाम पर आप देखें तो अगर क्रिमिनल शस्त्र लेकर जाता है लूटने के लिए बिजली वाले पीएससी प्रश्न कर रहा हूं मानो वहीं आ रहा हूं हाँ बाईपास से आ रहा हूं वहीं आ रहा हूं परेशान मत हो बाईपास से आ रहा हूं शस्त्र लेकर क्रिमिनल शस्त्र लेकर लूटता है और बिजली वाले जिस तरह से शोषण कर रहे हैं वो पीएससी लेकर पुलिस लेकर लूट रहे मीटर गेट पर लगे हैं घरों में जा रहे हैं छतों पर कूद रहे हैं कट बता रहे हैं फर्जी बिल भेज रहे हैं सही करने के पैसे और इसके बाद जाओ उस फर्जी बिल को सुधारने के पैसे किस तरह से हो रहा आपको बैठे हुए कुछ नहीं बताया जवाब जो दे रहे हैं आप मैंने सीधा सवाल आपसे करा था माननीय मंत्री जी सीधा सवाल मैंने करा आप करिए सीधे सवाल पे आ रहा हूं मैं वहीं आ रहा हूं सीधा सवाल मैंने करा था कि हजारों परेशान उपभोक्ताओं का समाधान के लिए घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर खराब होने की दशा में परवर एक उपभोक्ता बिल देता है हर महीने अपना सब लोगों के काम की बात सुन ले एक उपभोक्ता बिल देता है और समय पे बिल जमा जब बिल उसका आता है उस समय पे बिल जमा कर देता है हर महीने जमा कर रहा है वो और इसके बाद में मीटर खराब हो जाता है खराब होने के बाद में उसकी एमआरआई होती एमआरआई होने के बाद में पता चलता है कि संचित विद्युत इतनी और थी उसमें आपका कंपनी आपकी जांच कर रही है आपका जेई जांच कर रहा है आपका एई जांच कर रहा है आपका एक्सीएन जांच कर रहा है अगर नहीं कर रहा तो हर हालात में मेरे ख्याल से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए संचित बिजली उसमें कहां से आ गई जब लगातार वो बिजली का बिल दे रहा है तो उसमें संचित बिजली कहां से आ गई अगर संचित बिजली आई है तो वो बिल कहां से आ रहा है प्रश्न कर रहा हूं मानो बिजली जो है जरूरी है इस पर समझ नहीं आ रही सीधा इस पर बल देना मेरा जरूरी है अगर नहीं तो उसमें संचित बिजली का बिल कहां से आ गया जब बिल लगातार वो जमा कर रहा है तो इसलिए उन अधिकारियों के खिलाफ अधिकारी काम नहीं कर कार्रवाई होना चाहिए मेरा सीधा प्रश्न यह है कि हमारे अपने मैंने पूछा था कि कितने ऐसा कितना संचित बिजली के नाम पर कितना वसूला गया यह है 762 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में वसूल लिया अगर वो दोष किसका है उसका अधिकारियों का है प्राइवेट कंपनी का उनसे वसूलना चाहिए वो वापस पैसा लेना चाहिए उपभोक्ता को लूटा गया एक तरीके से और इसलिए सीधा सवाल मेरा है कि बिजली संकट ये प्रदेश में मीटर्स की कमी में क्या कारण है पहले बताइए प्रदेश में मीटर ही नहीं मीटर की कमी के क्या कारण है और रखरखाव होने के बाद कितने समय के बाद वो बदलाना जाना चाहिए नंबर एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है मेरा मीटर में संचित बिजली के जो उपभोक्ताओं से वसूल की जा रही है उसकी वसूली दोषी अधिकारियों और कंपनी के कर्मचारियों से करेंगे और उन पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और 726-772 करोड़ रुपया जो है उन अधिकारियों से वसूला जाएगा जिसमें उपभोक्ता का कोई दोष नहीं है दोनों सवालों का मेरा जवाब दें माननीय मंत्री जी
मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन